आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे मनी प्लांट या किसी भी और वाइन के लिए घर पर नारियल के फाइबर्स और पोछा लगाने वाले स्टिक से हम मॉस्टिक बना सकते हैं, जिस पर हमारे मनी प्लांट की ग्रोथ बेहद अच्छी होती है। हे गाइस, सो काफी दिनों से मैं अपने इन दो मनी प्लांट के पॉट्स के लिए मॉस्टिक लगाने की सोच रहा था, लेकिन मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ नजदीक के नर्सरी में कहीं भी मॉस से बने हुए स्टिक अवेलेबल नहीं थे और हर जगह नारियल के फाइबर से बने हुए स्टिक अवेलेबल थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं नारियल के फाइबर से बने हुए स्टिक खुद से बनाऊं। तो चलिए देखते हैं मैंने इन दो मॉस स्टिक को कैसे बनाया है। इस मॉस स्टिक की DIY वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं हमें अपने मनी प्लांट के गमले में मॉस स्टिक लगाना क्यों चाहिए। मॉस स्टिक हमारे मनी प्लांट को सपोर्ट देता है, ये इसकी ब्रांचेस टूटने नहीं देता और मॉस स्टिक के सहारे मनी प्लांट काफी लंबा और हेल्दी ग्रो होता है। मनी प्लांट के हर नोड से एरियल रूट्स निकलते हैं। जब हम मॉस स्टिक अपने मनी प्लांट के साथ यूज करते हैं तब ये एरियल रूट्स मॉस स्टिक से अटैच हो जाते हैं, जिसके कारण वो काफी आसानी से अपवर्ड ग्रो हो सकते हैं। मॉस स्टिक हमारे मनी प्लांट को स्टेबिलिटी और सपोर्ट देता है, जिसके कारण वो टूटते नहीं है और इसके स्टेम और लीव्स काफी स्ट्रॉन्ग ग्रो होते हैं। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, एरियल रूट्स मनी प्लांट के मॉस स्टिक से अटैच हो जाते हैं, जिसके कारण ये आसानी से मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर पाते हैं और जिसके कारण मनी प्लांट के एंटायर रूट सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। चलिए अब देखते हैं मैंने कैसे इन दो मॉस स्टिक को बनाया है। मैं इस मॉस स्टिक या यू कहें कॉइल स्टिक को बनाने के लिए इस प्लास्टिक के नेट का यूज कर रहा हूँ, जो कि आसानी से किसी भी हार्डवेयर स्टोर में मिल जाता है। मैंने इसे अराउंड 35 रुपये पर फीट में खरीदा था। आप चाहें तो प्लास्टिक कोटेड वायर की नेट भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमें नारियल के छिलके या फाइबर चाहिए और जिस हाइट का मॉस स्टिक आप बनाना चाहते हैं उस हाइट का एक स्टिक। मैं यहाँ पर घर पर पोछा लगाने वाला स्टिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपके पास PVC पाइप है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। साथ में हमें ऐसे केबल टाई चाहिए ताकि हम नेट के एंड्स को लॉक कर सके और रोप ताकि हम नेट, नारियल के फाइबर और इस स्टिक को अच्छे से लॉक कर सके। मैंने यहाँ पर नायलॉन का रोप यूज किया है। अगर आप चाहें तो कॉटन की रोप भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम नारियल के फाइबर्स को पतले पतले पीसेज में कुछ ऐसे तोड़ लेंगे। एक बार जब हमारे नारियल के फाइबर्स के टुकड़े हो जाएं, हम उन छिलकों को एक बड़े से कंटेनर में रख कर उस कंटेनर में अच्छे से पानी डाल लेंगे, ताकि पानी इस नारियल के फाइबर्स में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। थोड़ी देर बाद हम इन फाइबर्स को कंटेनर से निकाल लेंगे और अब ये फाइबर्स मॉस स्टिक में यूज होने के लिए रेडी हैं। अब जब हमारे नारियल के फाइबर्स रेडी हैं, तब बात कर लेते हैं कि हमें इस प्लास्टिक के नेट और स्टिक को यूज कैसे करना है। इसके लिए सबसे पहले हम जिस थिकनेस का स्टिक चाहिए उस साइज के हिसाब से प्लास्टिक नेट को काट लेंगे। फिर हम इस शीट को एक फ्लैट सरफेस पर कुछ ऐसे रख कर इस पर नारियल के फाइबर्स को अच्छे से फैला देंगे। कोशिश करें कि इनमें कोई गैप ना हो और नारियल के फाइबर्स पूरी तरह से शीट को कवर कर लें। एक बार जब अच्छे से प्लास्टिक नेट पर नारियल के फाइबर्स फैल गए हों, तब हम इसके बीच में स्टिक को कुछ ऐसे रख देंगे। आपको स्टिक ऐसे प्लेस करना है ताकि स्टिक का अपर एंड प्लास्टिक नेट के अपर एंड से थोड़ा नीचे हो और स्टिक का लोअर एंड प्लास्टिक नेट के बाहर हो, ताकि हम इस स्टिक को अपने मनी प्लांट के गमले में अच्छे से फिक्स कर सकें। अब हम नारियल के फाइबर्स और प्लास्टिक के नेट को स्टिक के सहारे कुछ ऐसे फोल्ड कर लेंगे और केबल टाई से इसके एक एंड को लॉक कर देंगे। ऐसे ही बाकी के एंड्स को भी टाई की मदद से अच्छे से लॉक कर लेंगे। एक बार जब हमने अच्छे से केबल टाई से इसे लॉक कर दिया है, हम इस केबल टाई के जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे टाई कटर से कट कर लेंगे। लेकिन अभी भी हमारा मॉस स्टिक रेडी नहीं हुआ है। इसके अपर और लोअर एंड अभी भी लॉक नहीं हुए हैं। इसके अपर एंड को लॉक करने के लिए मैंने रोप से कुछ ऐसे बांध दिया है। एक बार जब हमारा अपर एंड लॉक हो जाए, तब दूसरे एंड को भी कुछ ऐसे लॉक कर देंगे। मैं लोअर एंड को रोप से स्टिक के साथ अच्छे से बांध रहा हूं ताकि नारियल के फाइबर्स नीचे ना गिरे। फाइनली हमारा मॉस स्टिक रेडी है। इसे लगाने के लिए हम इसे अच्छे से मनी प्लांट के गमले के बीच में कुछ ऐसे फिक्स कर देंगे और इसके ऊपर मनी प्लांट के डालियों को स्टिक के नेट के सहारे और केबल टाई की मदद से लॉक कर देंगे।
मैंने ये दूसरा मॉस्ट्रिक भी कुछ ऐसे ही बनाया है, लेकिन क्योंकि मेरे पास नारियल के फाइबर्स थोड़े कम थे, इसके लिए मैंने इसमें नारियल के फाइबर्स के लेयर के ऊपर एक कोकोपीट की लेयर भी डाली है ताकि ये स्टिक थोड़ा थिक रहे। आप देख सकते हैं कि मेरे मनी प्लांट कितने अच्छे से इस पर ग्रो हो रहे हैं। अगर आपने भी ये मॉस्ट्रिक DIY ट्राई किया है तो अपने एक्सपीरियंस मुझसे ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे, अगर कोई सजेशन है तो इसे कमेंट सेक्शन में लिखे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।